शर्मा, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। राजस्थान में मटके से पानी पीने को लेकर एक शिक्षक द्वारा दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन भी जारी है। आज रुड़की नगर निगम चौक पर भी हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और राजस्थान में हुई घटना के विरोध को लेकर प्रदर्शन करते हुए तहसील के लिए कूच किया। इस दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम के नेतृत्व में यह आक्रोश रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग की। नरेश गौतम ने कहा कि देश में दलित समाज के साथ ऐसा हुआ, बर्ताव आजाद भारत में उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो स्वतंत्रता दिवस के नाम पर आजादी के झूठे बखान करते हैं और अपना भाई बताते हुए भेदभाव खत्म होने का दावा करते हैं। मैं एक दलित समाज का जो बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल था, उसकी एक उसने घड़े से पानी पी लिया तो उसके शिक्षक ने उसकी बहुत बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। आज उसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया है। आज बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जिम्मेदार पदाधिकारी आज मिलकर के उप जिलाधिकारी रुड़की के माध्यम से आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसमें हमारी बहुत सारी मांगें उनको लेकर के आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। हो रही है जिस तरह इस बच्चे को एक टीचर ने मारा है। टीचर एक बहुत सम्मान आदमी होते हैं, सम्मान के आदमी होते हैं, लेकिन एक टीचर ने एक दलित के बच्चे को ये कह के मारा है कि भाई कि आपने जो है इस घड़े को हाथ क्यों लगा दिया। ये बड़ी शर्म की बात है, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। सवाल मामले का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से इस बच्चे को एक मटके से पानी ना पीने की दिया और उसके बाद पिटाई की, ये इतिहास दोहराया जा रहा। मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ मेरे समाज के लोगों के पास जा रही, ये बाबा साहब के साथ भी हुआ था। हो सकता था वो बच्चा कल जाकर इस देश का कुछ अच्छा नागरिक, एक अच्छी पोस्ट पर बन सकता था, लेकिन ये हमें पानी पीने की बात नहीं, हमें हमारी औकात याद दिलाई जा रही।